वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मरीन इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं मरीन इंश्योरेंस होता क्या। जनरली मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है टोटली डिपेंडेंट ऑन द मरीन, यानी कि ये जो है टोटली डिपेंड है वाटर के ऊपर। जो भी ट्रांसपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो ये जनरली कवर अप होगा वैसे जगह पे जहाँ पे पानी की भरमार है, जैसे समुन्दर हो गया, तालाब हो गया, नदियां हो गई या फिर झील वगैरह हो गया। ठीक है, तो ऐसे जगहों को ये कवर करेगा। तो देखो क्या बोलता है, इट गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉजेस ड्यू टू डेंजर ऑफ सी। सी मतलब समुन्दर। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द लॉस और डैमेज टू वेसल्स और टू द कार्गो और पैसेंजर ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्ट। All the principle of insurance are applicable to marine insurance contract. ठीक है, तो क्या बोलता है कि generally protect करता है उन सारे losses का जो भी समुंदर से खतरा है। ठीक है, ये ऐसा contract है जहां पे वो जो सारे damages हो रहे vessels का, vessels का मतलब होता है ships। ठीक है, vessels का मतलब क्या होगा, ship आप याद रखो। उसके बाद या फिर कार्गो, कार्गो का मतलब होता है वैसे शिप जो गुड्स एंड सर्विसेज को लेके जाते हैं। तो ये कैसा शिप होगा, गुड्स एंड सर्विसेज वाला। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज वाला या फिर पैसेंजर वाले शिप। तो ये जब भी ट्रांसपोर्ट होता है मरीन के द्वारा, समुन्दर के द्वारा, तो ये सब डैमेजेस को कवर करने के लिए मरीन इंश्योरेंस होता है। तो इसके और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो मरीन इंश्योरेंस में कवर अप किया गया है और सारे प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई होंगे। कौन सा प्रिंसिपल, जो हमने अभी तक पढ़ा है, देखो यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वाला जो भी हमने पढ़ा है, तो ये सारे प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या क्या टाइप्स है। टोटल आपको 9 टाइप्स दिया गया है टाइप्स, तो उसके बारे में वन बाय वन देखते हैं। पहला वॉयेज पॉलिसी। वॉयेज का मतलब होता है वो शिप एक्चुअल में खड़ा कहाँ है, तो कहाँ खड़ा रहता है, वो पोर्ट्स पे खड़ा रहता है। तो उसके लिए जो है जो भी शिप्स के रिलेटेड वॉयेज होगा, वॉयेज का मतलब होता है पोर्ट जहाँ पे शिप एक्चुअल में स्टैंड है, तो उस एरिया को हम कहेंगे वॉयेज पॉलिसी। तो जब तक शिप उस पोर्ट पर है तब तक जो भी रिस्क होता है वो वॉयेज पॉलिसी के अंदर कवर किया जाता है। तब तक कवर किया करेगा जब तक शिप वॉयेज से निकल नहीं जाता। ठीक है, तब तक ये कवर करेगा। नेक्स्ट है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी मतलब समय अनुसार, यानी कि जब तक वॉयेज उसका कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसके पास समय है कि ये पॉलिसी में वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि इंश्योर जो है वो डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम तक, डिफाइंड मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, तो डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस कि जब तक वॉयेज कंप्लीट नहीं होता तब तक वो इसमें काउंटेबल रहेगा, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि पॉलिसी के अंदर जो भी है, जो भी जितना भी समय दिया जाए, एक साल से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, एक साल के अंदर ही रहेगा वो डिफाइंड पीरियड। तो आप समझ सकते हो कि डिफाइंड पीरियड का मतलब होता क्या है। तो एक साल के अंदर ही वो वॉयेज को अपना कंप्लीट करेगा, उतना ज्यादा टाइम तो लगाएगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा टाइम दिया गया है, दैट इज नोन एज टाइम पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक तरीके का कंटिन्यूशन क्लॉज दिया है कि जो वॉयेज अगर कंप्लीट नहीं होगा स्पेसिफिक पीरियड पे, तो उसको तब तक रखा जाएगा जब तक उसका वॉयेज कंप्लीट नहीं हो जाता, जो मैंने पहले बताया आपको। थर्ड देखते हैं मिक्स पॉलिसी। अब मिक्स पॉलिसी के अंदर इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, किसका किसका, वॉयेज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी का कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे मिक्स पॉलिसी, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयेज एंड टाइम पॉलिसी दोनों कवर किया जाएगा। ठीक है, टाइम के हिसाब से भी रहेगा और साथ ही साथ प्लेस के हिसाब से भी रहेगा। दूसरा नेक्स्ट है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ जो भी लॉसेस होंगे उस लॉस को भरपाई करने के लिए जो रेट निकाला जाएगा उसको कहेंगे वैल्यूड पॉलिसी। तो ये डिपेंड करता है उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो भी गुड्स लेके जा रहा है, जो भी इंश्योर्ड ने वैल्यू दिखाया है कि इतना होता है मेरे गुड्स एंड सर्विसेज का रेट, उसके हिसाब से जो पॉलिसी लिया जाता है उसे कहेंगे वैल्यूड पॉलिसी। ठीक है, टोटली डिपेंडेंट होगा उस वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू को सबमिट किया गया है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ताकि फ्यूचर में जब भी दुर्घटना हो और सेटल करने का समय आए तो इजीली वो सेटल कर सकता है उसके मार्केट वैल्यू के ऊपर। अगला बात करते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। अब ब्लैंकेट पॉलिसी क्या कहता है कि ये पॉलिसी को क्यों लिया जाता है। ये जनरली ऐसी पॉलिसीज होती है जिसका प्रीमियम
स्टार्टिंग में ही भर दिया जाता है, यानी कि उसका प्रीमियम स्टार्टिंग में ही कवर अप किया कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। और इसे जनरली ब्लैंकेट पॉलिसी को लेने का मकसद होता है कि जो भी गुड्स है उसको भी इंश्योर कर लिया जाता है, जिस रास्ते से जा रहा है उसको भी इंश्योर किया जाता है, पोर्ट्स को भी, वॉयेज को भी इंश्योर किया जाता है, और साथ में कहाँ जाना है, कौन से पोर्ट पे जाना है उसको भी इंश्योर कर लिया जाता है। यानी कि ये सीधी सीधी बात है, मल्टीपल रिस्क को कवर करने के काम आता है, मल्टीपल रिस्क को कवर करता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी को कवर करता है एक ही प्रॉपर्टी के अंदर में, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लैंकेट पॉलिसी। अगला है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क का मतलब जब तक वेसल्स, यानी वेसल का मतलब होता है शिप, मैंने बताया था इसके अंदर कि वेसल्स का मतलब क्या होता है, ये शिप्स, तो ये जो शिप्स है जो भी रुका हुआ है पोर्ट के ऊपर, तो पोर्ट के ऊपर उस शिप्स के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो, तो इसको कवर करने के लिए जो पॉलिसी निकाला जाता है उसको बोलते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी, ठीक है। ये पर्टिकुलर पीरियड तक रहता है, पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, और जब वेसल्स वहां से निकल गए, भले इस पॉलिसी का समय खत्म हो या ना हो, अगर वेसल्स उस पोर्ट से निकल गए तो उसका पॉलिसी द एंड हो जाता है उसी जगह पे, ठीक है। अगला बात करते हैं कंपोजिट पॉलिसी। अब कंपोजिट पॉलिसी का मतलब होता है कि एक ही पॉलिसी को कई सारे इंश्योरेंस कंपनी खरीदते हैं, इंश्योरर का मतलब कंपनी, बताया था कि एक ही पॉलिसी को कई सारे इंश्योरर्स खरीदते हैं, दैट इज नोन एज कंपोजिट पॉलिसी। यहाँ पे जो लायबिलिटी होता है बहुत बड़ा होता है, ताकि इंश्योरर जो है उस पॉलिसी का जो है कुछ पार्ट ही परचेस करता है और अदर इंश्योरर उसमें इंटरेस्ट दिखा के वो भी खरीद लेता है, क्योंकि इंश्योरर इंश्योर्ड का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, जो वैल्यू पॉलिसी होता है, बहुत हाई होने की वजह से ऐसा किया जाता है। अगला हम बात करते हैं सिंगल वेसल पॉलिसी। अब सिंगल वेसल क्या होता है कि जनरली जो शिप ओनर होता है, अब एक ही ओनर के कई सारे शिप्स है, तो वो सारे शिप्स का वन बाय वन पॉलिसी लेगा तो काफी समय निकल जाएगा, बहुत इसके अंदर खर्चे भी हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए सिंगल वेसल पॉलिसी निकाला गया कि एक ही ओनर के कई सारे शिप्स है, तो एक ही पॉलिसी के अंदर वो सारे शिप्स का इंश्योरेंस निकाल दिया जाता है, जो कि ये कवर करेगा एक ही वेसल के अंदर वो इंश्योर का सारे इंश्योरेंस, ठीक है। अगला बात करते हैं फ्लैट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी। अब हम बात करेंगे फ्लैट पॉलिसी का, तो इसका मतलब क्या है, सेवरल शिप्स के जो है, देखो यहाँ पे भी हमने बात करते डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट, तो फ्लैट पॉलिसी का मतलब वही सेवरल शिप, मतलब बहुत सारे शिप्स है जो कि एक ही ओनर का है, तो उसको इसमें कवर किया जाएगा, जिसको बोलेंगे फ्लैट पॉलिसी। और ब्लॉक पॉलिसी का मतलब है कि वो कार्गो, मतलब जो भी शिप्स है उसको अलग अलग टाइप के डैमेजेस से बचाने के लिए जो पॉलिसी लिया जाता है उसे ब्लॉक पॉलिसी कहेंगे। तो ये जो है अलग अलग डैमेजेस से बचाने के लिए जितने भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, भले किसी भी टाइप के ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रेल के द्वारा हो, रोड के द्वारा, सी ट्रांसपोर्ट हो, तो किसी भी ट्रांसपोर्ट से बचाने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है उसे कहेंगे ब्लॉक पॉलिसी। तो आप लोग याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।